अरे भाई, मैं बाजार में गया था वसूली ते ही, उल्टा दुकानदार ने मेरे दब दिए। क्या गुंडा बनेगा रे तू, बच्चों से पिटा था यार। ले एक काम कर, ये लेके जा अब वसूली का। अब अच्छा ले। चलो ठीक है भाई। हेलो हर्ष भाई, मुन्ना अपने इलाके में आया है। कहाँ पर? मस्जिद के पास। रुक छोटे, मुन्ना इलाके में आया है, आज उसे मार के ही वापस आएंगे। बंदूक दे। रुक साले। मंत्री यादव जी हैं? हाँ है। मंत्री जी, सुंडू भाई का फोन है। हाँ सुंडू, बोलो। वो यादव जी मेरा राइट हैंड है ना? हाँ हाँ, वो मुन्ना? हाँ हाँ वही, उसको उस भैंड के टक्के एमएस ने पकड़ लिया है। ओहो, चिंता मत करो। देखो मैं तो नहीं आ सकता, इलेक्शन है ना, पर मैं उसको फोन करके मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। ठीक है जी यादव जी। पर सुंडू, मेरे पीछे से कोई भी लफड़ा मत कर देना तुम दोनों। जी जी यादव जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नमस्कार यादव जी। हाँ नमस्कार। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हमें हमारा आदमी चाहिए, नहीं छोड़ता जा, जो काटना काटना। सुन मेरी बात, प्यार से बोल रहा हूँ, छोड़ दे, नहीं तो तू जानता मैं कौन। जानता हूँ क्या मैं आपको? जानता हूँ, बताओ भाई क्या मैं जानता हूँ कौन है? जानता हूँ ना। तेरी औकात क्या है कि तू कौन सी नाली से आया है साला सुअर? हाँ मैं वही सुअर हूँ जो अपने साथ एक कसाई को लेकर डोलता था, और ये कभी मत बोलियो कि जिस नाली से सुअर आया ना उसी नाली से एक कसाई भी निकला। चलो ये पैसे निकाल। तेरे पास पैसे नहीं है? पैसे निकाल, तेरे पास जो भी है निकाल। निकाल। ओए छोड़ उसको। नहीं छोड़ता, बता क्या कर लेगा। छोड़ दे उसको, नाता है। बच्चों से क्या करता है, बड़ों से कट। बच्चों वाली बंदूक दिखा के डरा रहा है। क्या नाम है दोस्त तेरा? मेरा नाम है मोहम्मद मसूफ शेख। अरे इतना बड़ा नाम, आज से तेरा नाम MMS। अरे ये ले। अरे ये तो एक ही है, तू क्या खाएगा? मैं कौन सा तुझे पूरी दे रहा हूँ। ये ले, से हमारे पास जो भी चीज आएगी वो हम दोनों में बटेगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। We'll be right back.
राजधानी के नरेला शहर में आज दो बदमाशों का आतंक। ये दोनों मिलकर शहर में लूटपाट, फिरौती और किडनैपिंग का धंधा करते हैं। उन बदमाशों में से एक का नाम है सुंडू उर्फ संदीप अलावत और दूसरे का नाम है MMS उर्फ मोहम्मद मसूफ शेख। हाँ भाई, कौन है, क्या काम है? सुन दो भाई, जब आप करनी है कुछ काम। तू अभी रुक, मैं भाई से पूछ के आता हूँ। मेरा नाम नहीं है तो एक काम कर, उठा ले साले को। और सुन, थोड़ा नरमी से, ज्यादा से ज्यादा बस एक आंख निकाल दियो, ठीक है? सुन दो भाई। ठीक है, मैं बात मत करता हूँ आपसे। कोई मिलने आया भाई? जो है सुन भाई, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मुन्ना क्या है इसमें? बैग दिखा। सुन भाई, पकड़ साले को। पर भाई, हम उसे मार के गए थे। देखा ना, पता नहीं कहाँ से ले गया था साला। पर भाई, इसे बेचने में तो हमारा फायदा है ना। सुन मसू, आज तो तूने बात बोल दी, पर आज के बाद मेरे आगे इस बात का जिक्र भी मत कर दियो, समझ गया? अरे बात रही धंधे की, वो तो हम कर ही रहे हैं, पर कोई नशीली चीज बेच कर हम किसी का घर बर्बाद नहीं करा सकते। ठीक है? ठीक है भाई। यार राघव, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, उसके पैसे मिले? अरे भाई, वो सारा डीलर टांग रहा है। हेलो सुंडू भाई, भाई अपने आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। और पूरी दिल्ली में कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा हुआ अभी तक किसी को पता नहीं लगा कि आप नरेले में हो। अच्छा भाई, बाद में बात करता हूँ, पुलिस अभी मेरे भी पीछे पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है भाई। बता कहाँ है सुंडू MMS, बता कहाँ छुपे बैठे है वो कायर? साहब कायर नहीं है वो, दोनों शेर है, बब्बर शेर। तो बुला अपने शेरों को तुझे बचाने के लिए, कहाँ छुपे है वो? पाटिल कटर लाओ, पहले साले की जुबान ही काटते हैं, बहुत चलती है। अभी भी वक्त है, बता दे कहाँ है वो दोनों। पर सर, ये सुंडू और MMS के बारे में कैसे बताएगा? ये अभी भी कहाँ बोल रहा है, कम से कम ये कुत्तों को शेर थोड़ी नहीं कहेगा। बताता हूँ सब बताता हूँ, वो दोनों नरेला के सिटी हॉस्पिटल के पीछे हैं। पाटिल नरेले जाने की तैयारी करो। Thank you.
किया था। सुनो भाई वो एमएमएस चार पाँच यार मसूफ ये मुन्ना क्या ओ भैंस की टांग कहाँ से आए ये पैसे किसके हैं ये भाई कूल डाउन क्या हुआ कहाँ से आए ये पैसे भाई पैसे नहीं थे इसलिए मैंने गांजा बेचा नहीं यार किसने बोला तुझे अच्छा तो मुन्ना झूठ बोल रहा है और ये इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए अच्छा तो मुन्ना ने बताया भाई वो झूठ बोल रहा था कुछ पुरानी बंदूकें पड़ी थी बस उन्हें ही ब्लैक में बेच कर आया हूँ और भाई मना किया है ना तूने इन चीजों से दूर रहने के लिए मैं तेरी बात मना कर सकता हूँ चल ठीक है पर मुन्ना की झूठ बोला यार मेरे से मुसीबत टली मसूफ सच बता तू ये बेचता तो नहीं है ना नहीं भाई नहीं बेचा देख मसूफ तुझे मेरी कसम है सच बता दे प्लीज हाँ भाई भागो पुलिस वाले रुक जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा भाई आज सुंडू भाई की बेल है तो मिलने नहीं जाओगे जाऊंगा ना जरूर पर उस दिन जिस दिन उसकी मौत होगी साले ने थप्पड़ मारा था मुझे उसको गोली मारूंगा अरे ताऊडे यार ये मेरी ये समझ में नहीं आते इन बहन के टके गुंडों की बेल कैसे हो जाती है यार देश की राजधानी में एमएमएस नामक बदमाश ने एक आदमी को मौत के घाट उतारा भाई एमएमएस का तो नाम चलने लगा बहुत बड़ा गुंडा बन गया वो नहीं मुन्ना ये कोई अच्छी बात नहीं है इस दलदल में आज वो मेरी वजह से फंसा है और उसे यहाँ से 12वीं महीने निकालूंगा बस यार बहुत हो गया वापस चलते हैं क्या भाई कहाँ चलते हैं चल यार घर चलते हैं वापस ये दिख रही है इसे ऐसे नहीं उठाया हाथों में कि सुबह गोली मारी और शाम को घर साले कोई जॉब नहीं कर रहा मैं और यही है ना वो मुन्ना उसे कहने पर तूने मुझे थप्पड़ मारा था और अपनी दोस्ती तोड़ी थी दोस्ती मैंने नहीं तूने तोड़ी थी अभी भी वक्त है यार चल मेरे साथ बेटा वक्त हो चुका है ख़त्म तेरा और इस मुन्ना का पहले से गोली मारूंगा फिर तुझे मैं भले ही आज जेल में हूँ पर कभी ना कभी तो बाहर आऊँगा और जिस दिन बाहर आऊँगा ना साले को मार डालूँगा मसूफ आज तू मेरी वजह से यहाँ फंसा हुआ है और मैं ही तुझे बाहर निकालूँगा आज नहीं तो क्या हुआ मैं ही तुझे घर वापस लेकर आऊँगा